हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक जेटली। आज मैं आपको कानपुर की जो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया मार्केट है वीराना रोड, तो वहाँ ले चलती हूँ। और ये संडे का दिन है तो आज ये मार्केट बंद रहती है, तो यहाँ आप आराम से जा सकते हो। बाकी डेज में तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ रहती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे ज्वेलरी शॉप्स हैं फेमस और शोरूम वगैरह हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर सुबह का ब्रेकफास्ट करने आए हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ चलिए और मैं आपको ले चलती हूँ। तो पहले हम लोगों ने यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है, खड़ा कर दिया है, और फिर मैं चलूँगी अपना वीराना रोड की फेमस मलाई मक्खन दुकान में, जहाँ मैं मलाई मक्खन खाएंगे। फिर पहले हम लोग कुछ और खा लेते हैं, तो उसके लिए हम चलते हैं कानपुर की जो ये फेमस बुद्ध सेन की दुकान है, पहले वहाँ चलते हैं। और ये है बुद्ध सेन स्वीट हाउस। यहाँ पर हम लोग ने कचौड़ी खाई, खस्ता कचौड़ी, जो काफ़ी टेस्टी थी, और हरी चटनी और मीठी चटनी और आलू के साथ बहुत ही टेस्टी लगा। गर्मा गर्म खाया जाड़े में, तो बहुत मज़ा आया खाने में। और आप भी कभी कानपुर आइए तो यहाँ का खस्ता कचौड़ी ज़रूर खाइएगा, बहुत टेस्टी होता है। और उसके बाद आप लोग भी खाइए मेरे साथ। और उसके बाद मैंने यहाँ का ढोकला लिया, जो काफ़ी अच्छा था। ढोकला और स्पेशल ढोकला है, और इसमें जो है पनीर ढोकला भी है, और ये मिर्च है जो बहुत टेस्टी होती है। वैसे तो ढोकला सब जगह मिलता है, हर सिटी में, कानपुर में इनका ढोकला काफ़ी अच्छा है। यहाँ हम लोगों ने ढोकला भी खाया। और आज का पूरा दिन मैंने बाहर ही खाया। पहले जो है खस्से खाए, फिर हमने ये खाया, फिर अब हम यहाँ से निकले हैं और अब कुछ मीठा खाते हैं। आज तो काफ़ी यहाँ पर मार्केट बंद रहती है संडे को, तो बिल्कुल सन्नाटा आपको दिख रहा होगा, भीड़ नहीं है। नहीं तो बाकी डेज़ में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। और अब हम लोग मक्खन मलाई खाएंगे यहाँ पर, कानपुर की फेमस मक्खन मलाई। ये आप कितने साल से लगा रहे हैं? हम यहाँ कम से कम 30 साल हो गए। 30 साल? अच्छा, ये तो बिना रोड की फेमस है। जाड़े में जी हाँ, आपके पहले भी कोई लगाता था क्या परिवार का आपको? ये सब तीनों गाड़ी एक ही परिवार की है, वो जो फोटो लगी है वो पिताजी की। अच्छा अच्छा वो आपके भी पिताजी? जी हाँ। अच्छा, अपने के साथ में लगाते थे यहाँ। अच्छा हाँ, 20 साल में तो जमाना बदलते देखा होगा आपने, और क्या जगह बदलते हुए। बिरयाना रोड का बहुत बदल देखा है। हाँ, होटल लाल सरदार जी का। हाँ, आज काफ़ी कुछ खाया और वेट भी खूब बढ़ गया होगा, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और ये सर पिस्ता वाला ये खाया मक्खन मलाई, जो काफ़ी टेस्टी है, और साथ में इसका हमने दूध भी पिया। दूध है मक्खन मलाई का दूध। आज हमने बहुत खा लिया, बहुत ज्यादा पेट फुल, वेट बढ़ गया। 2 किलो तो वेट बढ़ा ही होगा। कानपुर का फेमस वीराना रोड में मक्खन मलाई, तो मैं मक्खन मलाई आज वीराना रोड खाने आई। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और
ये मेरा मक्खन मलाई अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और खूब सारे कमेंट्स करिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए आलोक जेटली के नाम से। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।